आज की ये लड़ाई है दो ऐसे मॉन्स्टर्स के बीच जिसे साक्षात तबाही कहा जा सकता है। दोनों ही मॉन्स्टर में इतनी काबिलियत है जिसके दम पर ये पूरे प्लेनेट तक को नष्ट कर सकते हैं। और इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से एक को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो दूसरे को रूलर ऑफ द हेल कहा जाता है। तो आज की ये लड़ाई है मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला अर्थ और एमसीयू का सर्टर के बीच। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि हम जानेंगे कि क्या होगा जब 1000 फीट की ऊंचाई वाले ये दानव आपस में टकराएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर बात करें एमसीयू के सर्टर की तो ये एक अग्नि दैत्य है और नॉर्स के पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मुस्पलहाइम में रहता है। मुस्पलहाइम को राक्षसों का घर या नर्क माना जाता है जहाँ पर सर्टर राज करता है। इस नर्क के रूलर को एसगार्ड और ओडिन का दुश्मन माना जाता है जो हर बार ओडिन के एसगार्ड को तबाह करना चाहता है। आपने थोर द रैग्नारोक के शुरुआत में थोर और सर्टर के बीच मुकाबले को तो जरूर देखा होगा जहां सर्टर काफी कमजोर होता है और इसके पीछे की वजह थी ओडिन, क्योंकि ओडिन से लड़ते वक्त सर्टर काफी कमजोर हो गया था। लेकिन एटर्नल फ्लेम मिलने के बाद वो पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और ये 1000 फीट विशाल दानों में तब्दील हो जाता है। वैसे क्या आपको पता है कि सर्टर सहित मार्वल के कई कैरेक्टर्स का रचयिता स्टैनली को माना जाता है जिसने कई सुपर हीरोज को अपने कॉमिक्स के जरिए मानो जान फूंक डाली। आज भले ही स्टैनली हमारे बीच ना हो पर स्टैनली से हमें जीवन के कई लेसन सीखने को मिल सकते हैं जिसे आप जान सकते हैं कुकू एफएम की ऑडियो बुक में। कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 4000 से भी ज्यादा ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। प्ले स्टोर में इस ऐप को 4.5 की रेटिंग मिली हुई है जिससे पता चलता है कि ये कितना विश्वासी है। वैसे तो कुकू एफएम के साल भर की सब्सक्रिप्शन 399 रुपए की आती है मगर आप मेरे कूपन कोड को यूज करके पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपए में पा सकते हैं यानी सीधे 50% का डिस्काउंट। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर डाउनलोड करें कुकू एफएम को, क्योंकि ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। तो अपने टॉपिक पर आए तो सर्टर के बाद हम जानते हैं गॉडजिला अर्थ को जिसे अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली गॉडजिला माना जाता है। इसके साथ ही IMDB के अनुसार इसे सबसे विशाल गॉडजिला भी माना जाता है क्योंकि इसका आकार 300 मीटर यानी 884 फीट ऊंचा बताया गया है और वजन में इसे 1,00,000 टन भारी बताया गया है। गॉडजिला अर्थ की भी उत्पत्ति दूसरे गॉडजिला के ही भांति रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद हुई, लेकिन ये सभी में सबसे ज्यादा विशेष इसलिए है क्योंकि इस विशाल राक्षस के पास पूरे प्लेनेट तक को नष्ट करने की शक्ति है। इसके साथ ही ये पूरे प्लेनेट को कंट्रोल भी कर सकता है। गॉडजिला अर्थ की कहानी को पहली बार साल 1999 में बताया गया। इस कहानी के अनुसार जब दुनिया भर के मॉन्स्टर बाहर आकर तबाही मचाने लगते हैं तब गॉडजिला अर्थ लेजेंडरी गॉडजिला की तरह अर्थ को बचाने के बजाय वो मॉन्स्टर का ही साथ देने लगता है जिस वजह से मजबूरन लोगों को धरती छोड़कर जानी पड़ती है। मगर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें अर्थ की तरह कोई दूसरा प्लेनेट नजर नहीं आता है और वो इस सफर में लगभग प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर चुके होते हैं। इसलिए थक कर वो अपने पुराने धरती में वर्म होल के जरिए आने को विवश हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं 20 सालों में उस धरती के लिए टाइमलाइन 10,000 सालों तक बीत चुका होता है और इस धरती में काफी बदलाव हो जाते हैं क्योंकि अब ये पूरी तरह से एक मॉन्स्टर प्लेनेट में बदल जाता है जहाँ गॉडजिला जैसे कई मॉन्स्टर जीव उत्पन्न हो चुके थे। यहाँ तक कि यहाँ की फ्लोरा यानी पेड़ पौधे भी मेटल के बन चुके थे क्योंकि गॉडजिला अर्थ अपने अनुसार पूरे प्लेनेट को ही बदल देता है, यानी कि प्लेनेट के हर एक चीजों में गॉडजिला अर्थ का डीएनए शामिल होता है और अपने अनुसार बने धरती होने के कारण गॉडजिला और भी ताकतवर बन जाता है। दोनों की शक्तियों की बात करें तो सर्टर एक चलता फिरता आग का दानव है जो अपनी एटर्नल फायर से पूरे प्लेनेट को नष्ट कर सकता है क्योंकि इसके अग्नि का तापमान इतना ज्यादा होता है जिसके चपेट से जीव तो दूर खुद वातावरण भी खुद को बचा नहीं पाती। इसके अलावा ये किसी प्रकार के आग को अपने नियंत्रण में ला सकता है और अपने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से आग की बौछार कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इसके फायर पावर की बात ना भी करें तो भी इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसलिए इसने हल्क को भी काफी आसानी से काफी दूर फेंक दिया था। हेला इसके सामने मानो कुछ भी नहीं थी, यहाँ तक कि थोर भी इसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सर्टर काफी ड्यूरेबल भी है
क्योंकि इसे मार पाना नामुमकिन है। किसी तरह से अगर इसके मुकुट को मार गिरा भी दे तो फिर से अग्नि मिलने पर यह जीवित हो सकता है, जिसके बाद इसे किसी हथियार से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। यहां तक कि हेला की स्वॉर्ड ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ये दानव लड़ाई करते वक्त ये नहीं देखता कि कितना वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं थकता, चाहे लड़ाई करते करते सदियां ही क्यों ना बीत जाए, पर इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस वजह से सर्टर को मात दे पाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सर्टर एक बेहतरीन तलवारबाज है, क्योंकि ये अपने तलवार के जरिए फायर छोड़ सकता है और ये अपने तलवार के आकार को भी छोटा या बड़ा कर सकता है। यह तलवार इतना शक्तिशाली है जिसके जरिए इसने पूरे एस्गार्ड को तबाह कर दिया था। वहीं अगर हम गॉडज़िला अर्थ के पावर्स की बात करें तो इसके पास कई पावर्स हैं, जिनमें शामिल है एटॉमिक ब्रेथ, जो बाकी गॉडज़िला के मुकाबले काफी शक्तिशाली है, और इसके एटॉमिक ब्रेथ का रेंज भी 300 किलोमीटर का है, जिसके जरिए ये इस रेंज में आने वाले सभी जीवों को पल भर में ही मार सकता है। यहाँ तक कि अर्थ पर गिरने वाले एस्टेरॉयड को भी ये अपनी एटॉमिक ब्रेथ से पल भर में नष्ट कर सकता है। इस गॉडज़िला के पास सुपर ऑसिलेटरी वेब उत्पन्न करने की भी शक्ति है, जो तब निकलती है जब ये गुर्राता है। इसके आवाज में मौजूद वेब से टारगेट तुरंत नष्ट हो जाता है, और अपने इसी रोर से ही गॉडज़िला अर्थ ने कई सैटेलाइट तक को नष्ट कर दिया था। और सिर्फ मुंह ही क्यों, ये अपने पूंछ की मदद से एक तरह का चिंगारी निकाल सकता है, जिसे हम प्लाज्मा कटर भी कहते हैं। इस चिंगारी की इंटेंसिटी काफी हाई होती है, जो ध्वनि के 4 गुना रफ्तार से 600 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है, और इस रेंज में आने वाली चीजें धूल में बदल जाती है। गॉडज़िला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की भी शक्ति है, जिसकी मदद से यह आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद करने के साथ साथ उन्हें तबाह भी कर सकता है। वैसे तो इसे मार पाना काफी मुश्किल है, फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यह अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना सकता है, जिससे होकर कोई भी आधुनिक हथियार नहीं गुजर सकती। और अगर कोई हथियार इस शील्ड को पार कर भी ले तो इसकी मेटालिक लाइक बॉडी से टकराकर वो हथियार नष्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गॉडज़िला ड्यूरेबल ही नहीं, इनविंसिबल है। यहाँ तक कि इसकी बॉडी हीट रेसिस्टेंस भी होती है, जिस पर बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ तक कि परमाणु बम की भी गर्मी इसे नहीं जला सकती, और किसी तरह इसके अंगों को काट भी दिया जाए तो वो तुरंत पुनः उगाते हैं। गॉडज़िला अर्थ कई प्रकार के एनर्जी को दूसरे एनर्जी में भी बदल सकता है, जैसे कि यह हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकता है, और एनर्जी कन्वर्जन की सहायता से यह खुद को हील भी कर सकता है। इसके अलावे गॉडज़िला अर्थ भी अमर होता है, क्योंकि सेल डिवीजन की एबिलिटी से यह खुद के टुकड़े से अपना नया प्रतिरूप बना सकता है, अपने बॉडी से रेडिएशन छोड़ सकता है, अपने पूंछ को हथियार की तरह यूज कर सकता है, शॉक वेव जनरेट कर सकता है, और यह प्लेनेट तक को अपने अनुसार ढाल सकता है। तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि एक और सर्टर 1000 फीट ऊंचा है, वहीं गॉडज़िला अर्थ 984 या लगभग 1000 फीट ऊंचा है, लेकिन कुछ सोर्स इसे 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा बताते हैं। खैर, आकार में हम दोनों को लगभग बराबर कह सकते हैं, और इतने बड़े आकार होने की वजह से ये जिस जगह भी आपस में लड़ेंगे उस जगह का नष्ट होना तय होगा। तो इनके बीच लड़ाई ऐसे स्थल पर हो सकती है जहां पर काफी मात्रा में जगह हो तथा वो जगह भी खुद मजबूत हो। मगर लड़ाई स्थल की फिक्र ना करें तो दोनों ही काफी शक्तिशाली है। अगर फायर डीमन गॉडज़िला अर्थ पर अपनी अग्नि से हमला करता भी है तो गॉडज़िला अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह हीट को झेल सकता है। यहां तक कि सर्टर का ट्वाइलाइट स्वॉर्ड भी गॉडज़िला अर्थ के आगे विफल पड़ सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है जिससे होकर स्वॉर्ड कभी नहीं गुजर सकती। यहां तक कि सर्टर की हीट एनर्जी को गॉडज़िला अर्थ इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलकर सर्टर पर ही हमला बोल सकता है। अपने प्लाज्मा कटर या टेल की मदद से चाहे तो गॉडज़िला अर्थ सर्टर का मुकुट पर भी हमला कर सकता है, और मुकुट पर हमला होने पर सर्टर खुद को नहीं बचा पाएगा, और अंत में गॉडज़िला अर्थ इस महामुकाबले को जीत जाएगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।